हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12th एसेक बोर्ड की ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ईयरली क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि 2020-22 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 साल का पेपर लिया मैंने विथ सोल्यूशन। अगर ये 4 साल के पेपर अगर आप कर लेते हो तो 80% श्योर है कि यहीं से आने वाला है पेपर, क्योंकि इस साल जो है ना पेपर में ऑप्शंस बहुत सारे होंगे और ईयरली पेपर इस साल बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने कहा सर ज्योग्राफी पे भी वीडियो बना दीजिए कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आने वाला है नहीं आने वाला है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेक्चर की PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है इस PDF को, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हो, फटाफट इसको स्टार्ट करते हो। सबसे पहले ये हम लोगों ने लिया है 2018 का पेपर। सबसे पहला है ये 4 मार्क का आपका MCQs आएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं वो है, ठीक है। मैं आंसर्स बता नहीं रहा हूँ क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा बहुत ज़्यादा लग जाता है और आपका टाइम बहुत कीमती है एग्ज़ाम के टाइम में, तो आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको जेरोक्स कर लो या फिर प्रिंट आउट करा लो, जो भी इच्छा है मन में है, जो भी अच्छा लगता है तो आप लोग करा लो। डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी, इस तरीके के 10 2 मार्क वाले क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद जैसे ये ख़त्म होता है 3 9 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। उसमें ऑप्शंस भी मिलेंगे सब, आपको सारा नहीं लिखना है, सिर्फ 9 ही लिख 9 क्वेश्चन ही लिखना है आपको, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन मैंने सारे का दे रखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर ये सब क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हो ना आप, बिलीव करो 80% से ज़्यादा कॉमन आने वाला है आपका, आपका अगर एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा अगर आप ये PDF को पढ़ोगे तो। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में कि सर क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे लोग मुझसे कंसल्ट करते रहते हैं और इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलरली कुछ कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता हूँ एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। और लास्ट में ये देखो, ये मैप वर्क है ना, तो ये मैप वर्क भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 2018 का पेपर ख़त्म है, ये देखो ये 19 का पेपर है, तो 19 के पेपर में किस तरीके से ये सब ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, चूज़ करना है आपको। फिर ये 1 मार्क वाले 4 फिर क्वेश्चंस, फिर वही 2 मार्क वाले 10 क्वेश्चंस। फिर जैसे ये 2 मार्क वाले 10 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, आपको फिर ये सब पढ़ना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी, राइट अबाउट द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, व्हाई द वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ चीपर देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ना है, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सब। ये सब देख रहे हो, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट इन असम, फिर डिस्कस द ज्योग्राफिकल, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है आप थोड़ा ठीक कर लेना, ज्योग्राफिकल का ज्योग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्कस द फैक्टर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क वाले। जैसे ये ख़त्म होता है, ड्रॉ आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड मार्क देर, तो ये मार्क करना है आपको ये मैप वर्क, ठीक है। तो ये सब देखना है आप लोगों को, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 मार्क वाले थे, तो मतलब पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो है ना वही सब सारे रहते हैं, तो आपको वही क्वेश्चन सारे वही सारे करने हैं जिनका पेपर इसमें 1 मार्क वाले, वही 4 MCQs, ये MCQs आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये MCQs पढ़ लोगे तो हो जाएगा। फिर ये 2 मार्क वाले क्वेश्चंस आ गए, जैसे कि 2 मार्क वाले में व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, व्हाट सॉरी गिव टू एग्जाम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी, व्हाट इज न्यूक्लियर सेटलमेंट। तो ये सब इस तरीके के 2 मार्क वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसे 2 मार्क वाले खत्म होंगे फिर वही 3 मार्क वाले है ना, 9 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं, तो ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं 2-3 साल का और पेपर दे दूँगा, ये ईयरली पेपर इस साल करके चले जाओगे ना, मोर देन इनफ है। बहुत लोगों ने किया, अभी ये कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्या पढ़े, तो उनके लिए है, उनके लिए क्या सबके लिए है, अगर पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।